ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि आज अपने इन हाथों से मैंने एक नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के घाट उतारा। हाँ, मैंने, जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं। एक हैप्पी गो लकी स्टूडेंट, बस टॉप पर लड़कियां ताड़ना, पापा के पॉकेट से पैसे चुराकर दोस्तों के साथ पार्टीज करना, बिना बात दिन भर आवारा गर्दी करना, यही थी मेरी लाइफ। जिंदगी ऐसा यूटर्न लेगी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी को नर्क इन लोगों ने बनाया। सत्या, हमारे शहर का सबसे बड़ा और खूंखार गुंडा, जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। कोई जानवर को भी इतनी बेरहमी से नहीं मारता होगा जितनी बेरहमी से इंसानों को मारता है। ये है उसका छोटा भाई रवि, एक ड्रग डीलर होने के साथ साथ ड्रग एडिक्ट भी है। वो दो नंबर का धंधा भी बेईमानी से करता है। अपने भाई से बगावत करके खुद डॉन बनने का सपना देख रहा है। और ये है बुलेट, सत्या का राइट हैंड। वो रवि को ढूंढने गया उस तरफ। वो सत्या के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। रवि, वरुण तेरा गेम बजाने के लिए यहाँ से निकल गया है, तो ही उसको टपका बुलेट। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। बुलेट, सत्या की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। बुलेट, वास्ता हो या ना हो, आज कोई दुश्मन नहीं बचेगा। हेलो, यही वो तीनों दरिंदे हैं जिन्होंने मेरे हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। मेरी कहानी शुरू होती है इसी बाइक से। टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 16 लीटर सर। अगर बजट है तो 10 लीटर और लगा सकते हैं। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? इसकी टॉप स्पीड 140 तक जाती है। ओ, पिछले हफ्ते 150 थी, अभी 140 हो गई। आज 12 बजे से पहले कम से कम एक बाइक तो बेच कर ही रहूंगा। ये सुबह सुबह किसका मनुष्य थोबड़ा देख लिया? अच्छा, इसमें सीएनजी बाटला लगाना हो तो लगा सकते हैं क्या? मैनेजर से पूछ लीजिए ना, उससे तो बात कर लूंगा। पर देख ले, टेस्ट ड्राइव मैं लूंगा पर पास मेरी गर्लफ्रेंड ही करेगी। अब ये भी मैनेजर ही बता सकते हैं सर। अरे क्या मैनेजर मैनेजर कर रहा है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। 2 घंटे से आया नहीं है, कंप्लेन करूं उसकी? अक्कल तो है नहीं, बोलता पगार बढ़ाओ। अरे मैं इधर ही हूँ, रात को बीवी ने पेस्ट कंट्रोल किया इसलिए पूरी रात यहीं पे रहना पड़ा। लेकिन तू मेरी सौतन की बन रहा है। मुंह खोला और भक्त से वही जवाब बोल दिया, पिछले जन्म में पोपड़ था क्या? चल एक काम करते हैं, 60 के बजाय 600 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा, तेरा धंधा भी लंबा चलेगा। तब तक तो मेरे बच्चे के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और मैनेजर वो होंगे। अगर कैश तेरे मुंह पे मारूं तो एक के साथ एक फ्री देगा? कभी जिंदगी में बाइक पर बैठा है तू? अरे बचपन से बैठ रहा हूँ रे। लिफ्ट लिफ्ट अंकल, लिफ्ट लिफ्ट प्लीज लिफ्ट। क्या बेटा, लिफ्ट चाहिए? चल निकल, तेरी सड़ी हुई खटारे पे बैठने से अच्छा मैं पैदल चले जाऊँ। पागल है। क्या हुआ, लिफ्ट चाहिए? हाँ बापू, स्कूल देर से जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। आजा बैठ जा। अंकल भगाओ भगाओ, और तेज और तेज। क्या अंकल, आपको चलाने भी नहीं आती? क्या फ्लैशबैक था। एक काम कर, अब रोड पर जा और लिफ्ट की भीख मांग। कस्टमर इज गॉड, तुम्हें तो मेरे पैर धो के अंगूठा चूसना चाहिए। गाड़ी खरीदने वाला कस्टमर होता है और टाइम वेस्ट करने वाला सरदर्द। शोरूम में कस्टमर की गोद ना भरे तो समझ लो मैनेजर बांझ है। ठीक है, अगले हफ्ते फिर से आऊंगा। अगले हफ्ते फिर से आएगा? हे पालनहारे, मैं इससे हार गया हूँ, इसका ट्रांसफर करवा दीजिए। सलमान बिजी विद कैटरीना, अक्षय बिजी विद करीना, प्रापुन बोले तो ऑटो कुमार, नो बीजी फोकट, नो कुमारी नो सवारी। वाओ, एक्सक्यूज मी, क्या तुम फ्री हो? पर क्यों? क्योंकि मैं भी फ्री हूँ। तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। मेरे को एक किश दे दो। क्या कहा? ओ, इसकी इंग्लिश कच्ची है। बोले तो अपन को तुमसे एक पप्पी चाहिए, बोले तो लिप टू लिप। क्यों? स्टॉप, नो इंटरेस्ट प्लीज। ठरकी कहीं का। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ये अपन के ऑटो को किसने पीछे से पप्पी दिया? अबे तेरी भैंस की टांग है, कौन है कौन? तेरी बाइक को ठोकता है, तेरी काली पीली को लाल पीली कर दूंगा। बाइक ऑटो के पीछे थी। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा? क्या नहीं मानूंगा? क्योंकि इसके पास दो पहिया और तेरे पास बीच का एक एक्स्ट्रा पहिया, समझा? भूल गया क्या? ए भाई, मैंने कब ठोका? एक ऑटो चाहे बाइक को ठोके या बाइक ऑटो को ठोके, गलती ऑटो वाले की होती है। क्या खोपड़ी है। सॉरी ब्रदर। सॉरी ब्रदर, मैंने सॉरी बोला ना। नहीं, हेडलाइट लगवाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा? क्या रे शाने, ट्यूबलाइट नहीं हेडलाइट चाहिए, समझा क्या? चल निकल। अरे इस ऑटो कुमार से चीटिंग, आई शो व्हाट इज बीटिंग। ए छोटू, दो चाय और चार मस्का बंदे।
कैश पे या क्रेडिट पे? कैश या क्रेडिट, तुझे उससे क्या, तू चाय बना। कैश पेमेंट करोगे तो अमेरिकन मैम जैसी चाय लाऊंगा, उधारी करोगे तो अफ्रीकन मैम जैसी चाय लाऊंगा। ब्लैक टी तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। लगता है तुझे काले रंग से बहुत प्यार है। अरे छोटू, आज रोकने के साथ साथ टिप की भी गारंटी। बर्गर पे चाकू क्यों मारा? अपन धार चेक कर रहा था, मुंह बंद रख। क्यों बे? आजादी से पहले की दोस्ती का 2% की बाइक के लिए तूने पार्टीशन कर डाला। बात ये है कि सालंस, ये अपने बाल क्यों नहीं काटता? तुझे पता है क्या यार, तू भी ना। क्यों नहीं काटता रे? चल तू गेस कर, चल तू ही बता। इसका मक्खी चूस बाप इसको पैसा ही नहीं देता। आया मजा? हा, यू एंड योर सेल्फ डोंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। गाल इज ऑलरेडी लाल, अब ये मेरा लाल गाल कैसे ठीक होगा? मुझसे पूछना, कम से कम तू तो पूछ प्लीज। अच्छा चल भाई, तू ही पूछ ले। ले तेरी झोली में सवाल डालता हूँ, दर्द कैसे ठीक होगा? खूबसूरत लड़की को पकड़ के जहाँ तूने मारा है ना, उधर 2 पप्पी देने को बोलेगा तो मेरा पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। चाड़ा है। थैंक्स। चाय का बिल तेरे नाम फटने वाला है। 20 रुपए निकालो। 5 रुपए का टिप मिला के हुआ 25। हाँ इसे 25 रुपए दे दे। मैं दूँ? और क्या। You missed your flurry, Miss Amara. What's your excuse? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? देखो इसी बाइक की बात कर रहा था। RTR 160. इतनी स्टाइलिश है पर तू स्टाइलिश नहीं है। लेने के बाद स्टाइलिश हो जाऊंगा, फिर सब सूट करेगा। मम्मी, भैया बाइक पर बैठकर धूम 4 के हीरो लगेंगे। बात तो सही है पर पैसे कहाँ से लाऊं? अरे क्या पैसा पैसा करते हो, 1 रुपए में भी बाइक मिल जाती है। और 5 सालों तक इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा, तेरा बाप? क्या आजकल सब्जियां 100 रुपए किलो मिल रही हैं? इतनी कम सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिन भर वाटर कैन बेचता हूँ तब घर चलता है। अगर लाड में बाइक दिला भी दी तो भीख मांगता फिरूंगा। देना बैंक, भीख देना। घर में जो ऑडी रखी है जाकर उसकी सफाई कर। इस साइकिल को साफ करने से अच्छा दिल करता है अपने बाप को घर से ही साफ कर दूं। उनके बैठने से पहले सीट ही निकाल दूंगा। अरे कल्पेश जल्दी जा, बस आने वाली है। हेमा, मेरी जिंदगी के 2 ही मकसद हैं, बाइक और हेमा। शोरूम में बाइक के दर्शन करता हूं और बस में हेमा के दर्शन। लेकिन पिछले 2 सालों से गाड़ी सिर्फ दर्शन पर ही अटकी है, उससे बात करने या करीब जाने की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। डेगू भाई जरा आगे सरकना प्लीज। तू जाना भाई। ये बोला ना आगे सरक प्लीज, तू जाना। प्लीज प्लीज मेरे को ये लेटर पोस्ट करने देना भाई। लेटर पोस्ट करेगा? तुझे उसका बैग पोस्ट बॉक्स लग रहा है क्या? चल भाग यहां से। प्लीज प्लीज, 6 महीने से इसे फॉलो कर रहा हूँ। मुझे उसे फॉलो करते हुए 2 साल हो गए हैं, इसका मतलब मैं तुझसे सीनियर हूँ। चल जा। चश्मा चोर बाजार से लिया, परफ्यूम भिंडी बाजार से लिया, सब वेस्ट हो जाएगा भाई। प्लीज ऐसी टिकट काटूंगा ना कि हाथ गाड़ी के लायक भी नहीं बचेगा। मेरा बैग। चोर, ये बैग। ग्लास मैंने तोड़ा और 12 ना उसने भरा। ओह, मैंने आज तक तेरे जैसा तो देखा ही नहीं। तेरी तो ओह, समोसा ऑयल फूड, आई लाइक चिकन। सुनना, 2 साल की कोशिश के बाद आज पहली बार उसे छू पाया। अब तो दिल कर रहा है कि आने वाले 2 साल तक अपना हाथ धो ही ना। यू मीन सिर्फ टचिंग? यू सिली मिडिल क्लास मेंटालिटी।
फर्स्ट आंखों से दिल में उतरने का, बिकॉज लड़कियों को बॉडी टचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इफ वन टाइम टचिंग यू ट्राइंग टू होल्ड हैंड हैंड एंड बॉडी शी स्लैप देन यू गेट आउट फ्रॉम हर नेटवर्क एरिया गॉट इट। लड़की तेरे नेटवर्क एरिया से निकल गई है, वापस हिंदी पे आ जा। यू बर्निंग फ्रॉम माई इंग्लिश, तेरे को नहीं आती ना इंग्लिश, इज माई ब्लड। मेरे बाप के डैडी के फादर क्या करते थे जानता है? तू बता। यू टेल, चल तू तो बता दे। टांगा चलाते थे ना अंग्रेजों को, इंग्लिश बोलना सिखा देते, जैसे कि मम्मी शेव मी अम्मा। इंग्लिश क्यों नहीं बोला? इंग्लिश की बात तो दूर, तुम तो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल सकते। पहले चाय कहाँ पे डालनी है वो सीख, ये उठा और चल निकल। हाथ बर्निंग। दो साल में लड़की तो नहीं पटाया लेकिन हमको पका दिया। अगर मैं वहाँ होता तो जानता है कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करता? तू पूछना। अरे यू आस्किंग, चल तू तो पूछना। अच्छा ठीक है, चल बता। डे वन उसको एक खूनी स्माइल देता, सेकंड डे एक रोज देता, थर्ड डे ऑटो में बिठा के लेव देव गार्डन ले जाता और सीधा कहता आई लव यू। थप्पड़ मारती तो पास के नाले में कूद जाता। नाले के पानी में तैरना आता है? सॉरी, अपने को स्विमिंग नहीं आती है, तो सीखते ही ट्राई कर लूंगा। तेरे बकवास सीक्रेट आइडिया सुनने से अच्छा मैं खुद जाके समुंदर में डूब जाऊँ। डूबने की जरूरत नहीं है, एक बार इसका आइडिया आजमाते, हो सकता है काम बन जाए। क्रेजी ब्रेन। एक लास्ट आइडिया और भी है, इतना करने के बाद भी वो नहीं बदली तो लड़की बदल दे। अगर ऐसे ही तेरा इलाज करता रहा तो डिग्री मिलने से पहले ही मैं डॉक्टर जरूर बन जाऊंगा। देसी चिकन है। हेलो, सत्या को फोन दो। सेठ जी। हाँ सेठ। मेरा माल उतरा? मैं घर पर हूँ। तो मेरा काम? उसके लिए बुलेट गया, संभाल लेगा वो। ए, बहुत हो गया, मर जाएगा वो। ए, इसे मना किया था कि औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाने का, लेकिन इसे बहुत समझ में नहीं आती, बताया कि हमेशा टारगेट को मारने का। काम के लिए मेरे को भेज सकते थे ना, बुलेट को काय को भेजा? ए, कुछ बोला क्या तूने? कुछ नहीं भैया। हमेशा बुलेट को क्यों भेजते हैं, रवि भी ये कर सकता है। सिफारिश करने के लिए उसने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। मम्मी, एक नंबर का निकम्मा है, एक छोटा सा काम ही उसे दोगी तो उसमें भी 100 प्रॉब्लम्स ढूंढ लेगा। ज्यादा शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, बुलेट से उस गधे की तुलना मत करो। निकम्मा, छुप के हमारी बातें सुन रहा है। बातें सुनेगा भैया, बातें सुनेगा। बस करो। ओ चाचा, तुमको कब अक्कल आएगी? ये क्या, भाई का गुस्सा बच्चे पे निकालेगा क्या? भाई, इंस्पेक्टर ने किसी आदमी को भेजा है। किस लिए? लड़की पे एसिड फेंका है। किसने? अपना रवि। क्या चक्कर था रे? उससे लव करता था। हाँ। मना किया, एसिड फेंक दिया। अबे उल्लू के पट्टे, चल जानता। चल, एसिड इसने फेंका था, रवि ने नहीं, इसको लेके जा। मेरी बात तो सुनो। तुझे बोल रहा हूँ ना, निकल। हाँ चल। बुलेट। हाँ भाई, बोलो ना भाई, मैटर क्या है? ये तो मैंने सेट कर दिया भाई, देखा, ये है बुलेट, इधर आ। जब देखो बुलेट बुलेट करते रहते हैं, जिस दिन पीठ में खंजर खोपेगा तब पता चलेगा। ए, चुप हो जा, वो आते ही होंगे। ए, कल स्टेशन पर सामान आने वाला है, जाके ले आना। और बुलेट को भी जरूरत नहीं है, बुलेट कहीं और बिजी होगा इसलिए तुझे भेज रहा हूँ, समझा? कल तुम्हारा बर्थडे है बेटा, अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। 800 रुपए में तो बनियान भी नहीं आती, शर्ट पैंट की आएगी। नखरे मत दिखाओ, पापा आ गए तो ये भी ले लेंगे। हाँ, पॉइंट है। अच्छा मम्मी, दोस्तों को पार्टी देनी थी तो थोड़ा सा। वाह बेटा, पार्टी कभी अपने पिता के पैसे से नहीं करते मेरे लाल, जब मेहनत से कमाना तब उड़ाना। ये लो, सलमा दे गई थी। पिछले साल भी दोस्तों को पार्टी नहीं दी तो जॉब भी नहीं मिली, तो अब सोचा अगर आज एडवांस में जॉब की पार्टी दे दूं तो शायद फ्रेंड्स की दुआ से नौकरी भी लग जाए। ये क्या फ्रेंड्स फ्रेंड्स लगा रखा है, सबको जानता हूँ मैं, वो तेरा चहेता ऑटो कुमार है ना, लड़की छेड़ने के जुर्म में 12 बार जेल जा चुका है, बड़ा आया दोस्तों को पार्टी देने वाला। बेटा, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब मुझे सुकून मिलेगा। दोस्तों को पार्टी देनी है।
इनकी तो आदत है बिना वजह कुछ कहने की। शाबाश, तुम जैसी माँ अगर घर में हो तो बिगड़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं पैसों की वसूली के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। कम से कम कॉफी पीकर चले जाते। मुझे क्यों, अपने लाडले को पिलाओ। पत्रा वहाँ से। तुझे तो लेट हो रहा था ना, तो बस क्यों छोड़ दी? बस में बहुत भीड़ थी ना। बस तो खाली थी, बैठने की जगह भी थी, बॉयफ्रेंड नहीं आया इसलिए बस मिस कर दी ना। कुछ दे दे भाई, कर भला जो हो भला, दे दे, तेरा भला होगा। आज मेरा हैप्पी बर्थडे, ये ले महंगी चॉकलेट और पार्टी कर। मैं डाइटिंग पे हूँ बेटा, मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। कुछ दे दे भाई। Many, many happy returns of the day. बेटा हसलो हसलो, अगर आज उसने अपने सैंडल की हील नहीं दिखाई होती ना तो बाजू में बैठ के आई लव यू चिपका दिया होता। उसने सिर्फ सैंडल दिखाई है, कुछ और भी दिखा देती तो। गाली दे रहा है क्या? फिर से दूं एक? नहीं दूं, दुख रहा है ना। हाँ फिर ठीक है। हाय बॉयज, आज किसी का कुछ टूटा क्या? या माय टूटा। ओ आओ, नाइस पंच बेबी। मारने का कोई ह्यूज प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, हेमा ने इसे अपने सैंडल दिखा दिए। शायद नए परचेस किए होंगे इसलिए दिखा दिए। नथिंग रॉन्ग सैंडल शोइंग यार। अरे मारने के इरादे से दिखाए हैं। अगर मारने का प्लान बनाया होता तो उस दिन मुझे गाल पे किस क्यों करती? किस दिन? इलेक्शन वाले दिन पे। अब तक उसके गुलाब जैसे होठ फील कर सकता हूँ। अब तो मुझे भी फील होने लगा है। आई मीन शी किसिंग, आई डाउटिंग। डाउट तो मुझे भी है। क्या रे? क्या बस स्टॉप वाले बच्चे को हेमा उठा के ले गई? अभी उसको बच्चा उठाने वाली समझो। मार मत यार, एक दिन में एक ही प्लास्टर, बजट कम है। ले मैंने लगा दिया, बजट बहुत है। मैं बता सकता हूँ बच्चे को किस करने का असली राज क्या है। मुझसे पूछना क्या है? अरे आस्किंग मीना, कम से कम तू पूछ ले यार। तू तो पूछ रे, तो पूछना। बोल क्या राज है। दोनों के ब्रेन में थोड़ा थोड़ा हेजिटेटिंग, लड़की के दिल में सेम टू सेम फीलिंग वाली फीलिंग है? और एक दिन मैन एंड वुमन डायरेक्ट किसिंग विदाउट बेबी इन बिटवीन गारंटी। थैंक्स यार। थैंक्स बोल के नहीं, बॉटल खोल के कर, आज शाम को बर्थडे पार्टी में। हाँ ठीक है डन। ये इसमें हजार रुपए कम है। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले क्या? नहीं तो। इसमें 2000 रखे थे, 1000 ही बचे। आपने 1000 रुपए ही रखे होंगे। 100-100 के 20 नोट रखे थे मैंने, ये सब 50-50 के कैसे हो गए? आप भी कमाल करते हैं, अपने आप कैसे बदल जाएंगे? आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। अच्छा भाई चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। स्लीप टाइट। हाथ छोड़ेगा तभी जाऊंगा ना, हाथ तो छोड़। ओके बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। ए मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देना मम्मी। अरे सुनना, तेरा लाडला कुछ कह रहा है मम्मी। वरुण तुमने जो पैसे लिए थे वो वापस लाओ। वो तो कोई नहीं ला सकता। तुमने मेरी जेब से पैसे लिए थे। मैंने पैसे नहीं लिए। तो राशन की दुकान से 100-100 के नोट 50 में किसने बदलवाए? मुझे क्या पता। मम्मी बचाओ। चोरी के साथ आप झूठ भी बोलने लगे। क्यों की चोरी? अरे जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है क्या?
जब उस किराने वाले ने मेरे बेटे को चोर कहा तो उसे नजरें नहीं मिला पाया मैं। वरुण, तूने मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा है, दिल भी तोड़ा है मेरा। पी क्या है तू? नहीं 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 पापा, सच बोल। थोड़ी सी। आज तुम सचमुच बड़े हो गए बेटा, चोरी करने से लेकर पीने तक के सारे महान काम कर ली। बेटा आज तुम्हें मेरे इस दर्द का एहसास नहीं होगा, जब तुम्हारी औलाद पैसे चुराएगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। मेरे बेटे को पैसे चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके मांगने से पहले ही उसे दे दूंगा। क्या कहा? तुम्हारा मतलब सारी गलती मेरी है? मैंने तुमसे चोरी कराई, इसके मायने पीने का। इसे माफ कर दीजिए पापा, सब देख रहे हैं। क्या तुम इसका सपोर्ट कर रही हो? जाकर सो जाओ। तुम लोग बीच में मत आओ, हम लोग दोनों निपट लेंगे। मुझसे निपटेगा तू? तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? जब आप डांटते हैं ना तो कार्टून लगते हैं। मैं तुझे कार्टून लगता हूँ? जिसने तुझे पालने पोसने में अपने शौक खत्म कर दिए हैं उस पे हंसेगा तू? जब दसवीं में फेल हुआ था ना तभी कहीं चपरासी की नौकरी दिलवा सकता था, मगर मैंने तुझे डिग्री दिलवाई और मुझी पर हंसता है? मेरे लिए आपने किया ही क्या है? दिलीप को उसके पापा ने मेडिकल कॉलेज में डाला और आपने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में बीए करने के लिए फेंक दिया। उसके मार्क्स अच्छे आए थे इसलिए एडमिशन मिला। मार्क्स की वजह से एडमिशन नहीं मिला, उसके पापा ने 25 लाख रुपए डोनेशन दिए। अच्छे कॉलेज में सिर्फ मार्क्स से एडमिशन नहीं मिलते, उसके लिए बाप के पास पैसे होने चाहिए। वो सतीश के पापा 5 लाख रुपए की रिश्वत दी तब जाके उसको एक ढंग की जॉब मिली। सर्टिफिकेट ही नहीं पापा, पैसा फेंकने से नौकरी भी मिलती है। बेटा क्या बोल रहा है? मम्मी मेरा वो दोस्त कुमार है ना, उसने वो ऑटो लॉटरी में नहीं जीता, उसके पापा ने उसके लिए 2 लाख का लोन लिया और आज कुमार पर डे 1000 रुपए कमाता है। अब वो पॉकेट से पैसे नहीं निकालते क्योंकि घर वालों ने पहले ही उनकी मदद कर दी। आपने मेरे लिए ऐसा किया ही क्या है जो मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? सतीश ने भी मेरे साथ ड्रिंक्स ली, उसके पापा तो उसे कुछ नहीं कह रहे जबकि उसका तो पिटना बनता ही है। खुद तो मरेगा, मेरे को भी मरवाता है। हर चीज तड़पा तड़पा के तो दिए, बाप होने का फर्ज तो पूरा करते नहीं है, इसलिए डांटने का भी कोई हक नहीं आपको। क्या कहा? तू मुझे मेरा हक बताएगा? बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा। अरे आप जैसे बाप को तो मारने का भी कोई हक नहीं है। मम्मी अपने पति को समझाओ। अरे स्वाति स्कूल नहीं गई, बहुत सर दुख रहा है, जरा चाय बना देना। पापा वहाँ देखो। लक्ष्मी जी चलो बात करना है। स्वाति अपनी मौसी के घर जाओ। क्या माँ, झगड़ा ये करे और झेलू मैं? नहीं चलो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को अब लगने लगा है कि मैंने उसकी जिंदगी खराब की है। वहां 70,000 रुपए रखे हैं, इससे ज्यादा देने की मेरी औकात नहीं है। ये पैसे मैं एक बाप का हक पाने के लिए नहीं दे रहा हूं, अपना कर्ज चुका रहा हूं, बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। इससे कह दो कि ये ना समझे कि अब बहन की शादी की जिम्मेदारी इसके सर पर आ गई है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी जीते जी भी मेरी जिम्मेदारी है और मेरे मरने की बात। ये क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं, मेरे दिल का दर्द बोल रहा है लक्ष्मी। ये लो, मैंने पहली बार तुम्हारे पापा को रोते हुए देखा, आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना। मम्मी बचाओ, मर गयो। सर सर, टायर का नंबर लिख रहा था, सीएनजी बाइक अभी तक नहीं आई है। सीएनजी नहीं चाहिए, पेट्रोल वाली ही चलेगी। क्या? अच्छा पूरा कैश देने पर डिलीवरी जल्दी मिलेगी? अगर तूने मुझसे कैश में बाइक खरीदी तो इंश्योरेंस और रोड टैक्स फ्री, और हर महीने तेरी बाइक शैम्पू से मैं धोया करूंगा। फ्री रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस।
जा। ए, उधर देख। लगता है किसी की नई गाड़ी मांग के लाया है। रातों रात ये चमत्कार कैसे? वो भी कल वाले एपिसोड के बाद। मुझे तो लगा था तू सड़क पे सोया मिलेगा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द बाइक। थैंक यू। थैंक्स। अरे बाइक तो सुपर है रे। अपने गंदे हाथ दूर रख, बाइक गंदी मत कर। ओ अरे सतीश, आई एम गो अपॉन वे ऑफ इंदिरा नगर। तुझे भी काम था ना, आई ड्रॉप यू। हाँ चल। अरे सुन, रास्ते में इसको कोई लड़की दिख गई ना तो हवस के आगे दोस्ती भूल जाएगा, तेरे को उठा के फेंक देगा रास्ते में। मैं लेके चलता हूँ ना तुझे। हाथ लगाऊंगा तो गंदी हो जाएगी, बैठ गया तो डेंट पड़ जाएगा ना। हमारी दोस्ती में तो डेंट नहीं पड़ेगा ना। अच्छा आधा रास्ता तू बाइक चला लेना। सच में? हाँ। अरे इसका भरोसा नहीं करेगा। निकलो भाई। अरे बाइक स्टार्ट कर। मस्त बाइक है, मक्खन है। सुन तू इधर ही उतर जा और बस स्टॉप तक 11 नंबर की बस पकड़। क्या हुआ, ट्रैफिक हवालदार खड़ा है क्या? बाइक पे दो लोग बैठ सकते हैं, बिंदास चलना। मेरे को मत सिखा, ज्यादा देर बाइक पर बैठेगा ना तो पाव भारी हो जाएगा, और इतना तो पैदल चलना चाहिए, चलना हेल्दी चीज है। ये बाइक के मैनुअल में लिखा है क्या? चल। अरे सतीश तू कैसा है मेरे यार? इतने प्यार से बोल रहा है, 1 महीने बाद मिला है क्या, जो ऐसे बात कर रहा है? ये देख नई बाइक, लेटेस्ट मॉडल, आज सुबह ही खरीदी है, मस्त है ना? ये क्या, इसके बारे में सुबह से 10 बार बोल चुका है। मुझे लगा था तू तो बाइक के पीछे पागल है, तू तो बाइक की वजह से पागल है ये पता नहीं। तुझे काफी चर्बी चढ़ गई है, इसीलिए पैदल चल रहा था। ये बैक सीट मैंने किसी खास इंसान के लिए रिजर्व कर रखी है। पता नहीं था तू तो मुझे इतना खास समझता है। चल थैंक यू। कुत्ते की तरह पैर मत उठा। पैर उठाए बिना कैसे बैठ सकता हूँ? अच्छा कूदूं क्या? चल, चल। ये स्पेशल प्लेस और स्पेशल लड़की के लिए। ए, वो इधर ही आ रही है, आगे तू पीछे मैं बीच में, वो कैसी रही है? वो तो बस में चढ़ गई, तेरा फोपट बना दिया। अबे तुझे भी तो यही बस पकड़नी थी ना। समझ गया, फोपट तो मेरा बना है। आधे रास्ते पर बाइक से मुझे उतार के तूने अच्छा नहीं किया। चल ठीक है, अगली बार ऐसा मत करना। फ्रेंड चाहिए या गर्लफ्रेंड, फैसला कर ले, तेरी लाइफ में जरूरी कौन है, वो या मैं? फैसला हो गया। गुड जॉब, तुम्हारे काम से सब लोग खुश हैं। थैंक यू सर। हमारे बैंक का एक बहुत ही शातिर क्लाइंट है, बैंक से उसने सारे लोन ले रखे हैं लेकिन उसने एक भी ईएमआई नहीं भरी। मैं चाहता हूँ इस क्लाइंट से तुम ही डील करो, ये उसके सारे पेपर्स हैं। जीलानी, क्या नाम है? सपना। सपना इतना भी बुरा नहीं है। आ जा। जिलानी। हे भगवान, पुलिस। जिलानी के घर पुलिस आई? यू वेट, आई एम कमिंग। जिलानी दरवाजा खोलो। बाप रे, बोलता है या तोड़ो दरवाजा। अई मर गया, इससे अच्छा तो पुलिस ही होती, क्या करूं? सलाम है, तुम कबूल करती? तुम कौन है बिरादर? ये जान पहचान बाद में बढ़ाएंगे। जिलानी घर पे है क्या? नहीं, वो बाहर गई। और तुम कौन हो? मैं उसके भाई का भाई का भाई हूँ। ये हमारी दुबई की बेगम हबीबी। आपकी बेगम दुबई की तो नहीं लगती। वही की है, सलाम करो। नमस्ते चिकने राजा। ये क्या दुबई में मेहमान को चिकने बोलते? अरे नहीं, ये है तो नागपाड़ा की, दुबई में आके मेरे यहाँ पे खाना बनाने लगी। ये खाना बड़ा अच्छा बनाती, एक बार खाया तो इसके टेस्ट में मैं फंस गया। हबीबी हबीबी। चुप रहे ठरकी, मेरे धंधे का टाइम हो रहा है, पैसा निकाल, मैं जाऊं। धंधे का टाइम? ये कोई बिजनेस करती है क्या? ये पब्लिक सर्विस करती है ना। हेलो। हाँ राजा बाबू, होटल में आऊं क्या? पहुंच जाऊंगी। ए पैसा निकाल, कस्टमर का फोन था, मेरे को जाने का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? वहाँ मेरा दरवाजा खोल के इंतजार हो रहा है। हबीबी तुम ठहरो, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रही। अरे मुझे ये बताओ, जिलानी वापस इंडिया आएगा या नहीं? वो तो मेरे को मालूम नहीं होती, लेकिन दुबई से वो ये सोने का बिस्कुट बेचती। देखू तो ये लुखे के पास किधर से आया, ये तो उल्लासनगर का चॉकलेट लग रहा है। इसका मतलब तुम जिलानी हो? नहीं नहीं, मुझे शक हो रहा है। तुमको शक होती? दूर करती, मैं आती। चॉकलेट हीरो लगता है, 1000 का डिस्काउंट दूंगी तेरे को। उसे पकड़ोगी तो 2000 दूंगा। ए ठरकी रुक। मम्मी मेरी पहली तनख्वाह।
जीते रहो बेटा, अपने पापा को दो बहुत खुश हो जाएंगे। ओवर टाइम पकड़ के 25,000 है, आप ही दे दो ना। सुनिए, वरुण अपनी पहली तनख्वाह आपको देना चाहता है। तुम क्या पोस्टमैन का काम कर रही हो? भगवान के चरणों में रख दो। मम्मी। हाँ मम्मी, 500 रुपए दो ना। मंदिर में रखे हैं, ले लो। अपने हाथों से दो ना। इसे 1,000 रुपए दे दो। काम करने वालों को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये लो बेटा। अच्छा मम्मी, कल राशन वाले का हिसाब चुका दिया? देखा आपने, तो क्या हुआ, आज पति की कम और बेटे की अहमियत ज्यादा हो गई है। जल्दी कॉफी लेके आओ। कैसी बात करते हो। एक छोटी सिगरेट देना। अरे सुन, मेरे लिए भी एक लेना। ठीक है, दो दे दो। ले, इसके खाते में लिख लो काका। तो समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे पास अब तो बाइक भी है, नौकरी भी है, फिर भी किसी चीज की कमी है। तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं। बाइक चलाते वक्त पीछे से पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए खालीपन लग रहा है ना। ये क्या है वरुण, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है फिर भी आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा है, अबे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा। ना टकले, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे अगले नुक्कड़ पे ऋतिक और जॉन दोनों बाइक पे इसका इंतजार कर रहे हैं। धंधे पे ध्यान दे। हद हो गई। ये कमी तभी पूरी होगी जब वो मेरी जिंदगी में आएगी। अरे हेमा यार, 10 दिन हो गए उसे देख नहीं पाया, अब तो रहा भी नहीं जा रहा। ये बात मुझे नहीं, हेमा को बोल। बिल्कुल सही बोल रहा है तू, और मेरी तो लाइफ सेट ही हो गई है ना, बाइक है, नौकरी है, आज तो प्रपोज मार ही डालूंगा। हेमा, कॉलेज जा रही हो? आ बैठो, ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो? देखा तो क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, करती हो ना प्यार? फिर क्या डरना, दोनों प्रेम दीवाने बाइक पर बैठ के पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। आओ। अरे ए लौटा, अब जाना कब प्रपोज करेगा यार? उसी की तैयारी में लगा था, डिस्टर्ब कर दिया तूने। उसकी तैयारी, आई लव यू बोलना है या कलेक्टर बनना है? ऐसा डायलॉग बोलना चाहता हूँ जो दंगल से भी बड़ा हिट हो। तो तुझे 3 साल और लगेंगे। अरे जाना, जाके आई लव यू तो बोलना है। ए, थोड़ी देर चुप रहना यार। ठीक है, मैं चलता हूँ। ए, ए! हेमा, आई लव यू। अगर तुम भी प्यार करती हो तो बाइक पर बैठ जाओ, नहीं तो जाओ बस में धक्के खाओ। पर डिलीवरी तुझे कितना मिलता है? 3,000 भाई। और हर ट्रिप के लिए पुलिस कितना टिप देती? मुझे नहीं पता भाई। तेरे को मैं उल्लू लग रहा हूँ, झूठ बोल रहा है? तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बाइक से करता हूँ। आजकल वो नया कमिश्नर है ना, वहाँ पर नजर रख रहा है। हाँ रख तो रहा है, लेकिन अपनी आँखों से नहीं, तेरी आँखों से। अबे टकले, तू मेरी टिप दे रहा है? इस पर कहीं खबरी, अब तू खबर देने लायक ही नहीं बचेगा। भाई मैं देखता हूँ। यार ए भाई, अपनी गाड़ी को साइड में लगा। कैसे बताऊं उसे? ओह गॉड, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे कॉलेज की तरफ ही जा रहे हो ना? मुझे वहां तक लिफ्ट दे दोगे क्या? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप क्या बात है, बड़े स्लिम ट्रिम लग रहे हैं, जुलाब लगे क्या? सब तेरी मेहरबानी, चूरण मत दे, सीधे पॉइंट पे आ।
बाइक की नंबर प्लेट पर यह नंबर चाहिए 1588। ये वीआईपी नंबर नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट है सर, फर्स्ट मई 1988। अपना बर्थ डेट देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। प्लीज सर। ठीक है। ये तो मेरे से भी बड़ा फ्रॉड लगता है, क्या करूं। हाँ अरे ओ बालक यहाँ आ जाओ। वाटर सोडे के साथ पियो या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ में, इफेक्ट सेम होगा। वाटर क्वार्टर नहीं, वाटर वाटर। तुम जवान लोगों का यही प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कान चेक कराओ। प्रॉब्लम कान में नहीं है स्वामी जी। तो बल्कि चीटर धोखेबाज फ्रॉड में तो तुम मंगा करके माचिस जला के। ए भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, के जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ, तुम्हारी समस्या समझ में आ गई। एक फ्रॉड ने तुम्हारे बैंक से लोन लिया और अब भेस बदल बदल कर तुम्हारा जीना हराम कर रहा है। बिना बताए आपको ये सब कैसे पता चला? साधु के गेटअप में आते ही मैं कॉफी की तरह इंस्टेंट ज्ञानी हो गया। गेटअप मैं समझा नहीं। सुबह उठने के तुरंत बाद वाला होता है ना, वही वाला गेटअप। अरे वो तो छबालक, हम जैसे साधुओं को ऐसे सवाल मत पूछो। स्वामी, इस फ्रॉड से लोन वसूल कर पाऊंगा या नहीं? ट्यूब से निकला हुआ टूथपेस्ट और बीवी के हाथ में गए पैसे वापस नहीं आते रे। स्वामी ढूंढने में मदद कीजिए ना, 10% आपका। तू मुझे अच्छे लगे, कल रात शमशान में यज्ञ करने के लिए पहुंच जाना। खर्चा कितना होगा स्वामी जी? 1,11,000 पूरे। इसकी तो मेरे पास तो सिर्फ 150 रुपए हैं। ईएमआई में दोगे क्या? उससे रिकवरी होते ही दे दूंगा। श्योर? हाँ हाँ पक्का। एडजस्ट कर लूंगा। अब फॉलो माय लिप। जय काली, महाकाली, जय जम्मा बम्बाली। ब्रुण 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 बोले शंकर। तुम्हारी आवाज कैसे बदली हो गई? Hey, दोस्त पापी, विदाउट माई परमिशन यू एंटर द आश्रम, यू गो। चोरों को पैसे चुराते हुए और डाकुओं को जेवरात चुराते हुए देखा है, पर बाल चोर पहली बार देखा। किसके बाल? मेरे बाल। मिला नहीं? तुम्हें मिला नहीं? वो फ्रॉडी भेस बदलता है, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, फिर भी वो तुम्हें चकमा देके भाग गया और तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तुम किसी काम के नहीं हो। एक मिनट, सॉरी सर। हेलो, मैं हिमा बोल रही हूँ, कैसे हो तुम? कौन है? फ्रेंड का फोन है सर। ठीक है, बात करो। बोलो कैसे फोन किया? मुझे किस चाहिए? अरे दो ना। अभी? हाँ फोन पर। अरे जल्दी फोन रखो रखो। ओके, नहीं दे सकता, ऑफिस में हूँ। ठीक है, पापा शाम को एक फंक्शन में जा रहे हैं, मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूँगी। तुम्हारे लिए मटन बिरयानी का कोरमा बनाने वाली हूँ, चाहो तो उस वक्त किस कर लेना। तुम्हें या डैडी को? हे डैडी आ रहे हैं, बाय। ये बताओ तुम जिलानी को पकड़ सकते हो या नहीं? सर उसको भेस बदलने का बड़ा शौक है ना, अब उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। एक मोच लगा लो, थोड़ा सा लंगड़ा लो, थोड़ा पेट आगे बढ़ाओ, ईएमआई से छुटकारा पाओ पाओ। हेलो, कौन हो तुम? अमावस्या कुमार। कौन सा अवस्या? पूनम का भाई। यहाँ क्यों आए? बाहर डर लग रहा था। ये बता, दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है तो फिर तो अंदर कैसे आ गया? मुझे क्या पता है? एक अंधे के लिए गोरा काला ताला सब एक बराबर है, पर कान बहुत तेज हैं, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि तुम हर दो मिनट में आवाज बदल बदल के बात कर रहे हो। और जो आवाज बदलता है वो बहुत बड़ा बहरूपिया भी होता है। ए भाई, मेरे भाई, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो तो सही। अरे कहाँ से देखो, बताया ना कि मैं अंधा हूँ, एक फ्रॉड को सूंघते हुए आ गया था। अगर तुम्हारी मूछ नहीं होती ना तो तुम बिल्कुल वैसी दिखते। तुम्हें कैसे पता मेरी मूछें हैं? अरे अभी तो तुम्हें देखा। मेरा मतलब है कि मन की आंखों से। लगता है कहीं देखा है तुम्हें। मेरे डैडी के शहर में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मिस्टर पीके जिलानी, बैंक का लोन हजम कर करके पेट बहुत निकल आया। नहीं चुका दो तो ये रख लो। एक रुक,
बाइक मेरी जिंदगी तो थी ही, और उस दिन उस बाइक ने मुझे एक नई जिंदगी दी। उनसे कट लेने वाले इंस्पेक्टर ने अपन को टपकाने का ऑर्डर दिया है। एडवोकेट प्रकाश, हाँ, तू जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंच, मुझे सरेंडर करना है। ए, पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है, असली गद्दार तो वो है जिसने पुलिस को हमारे बारे में टिप दी है। मेरे बाहर आने के पहले उन सभी का विकेट डाउन कर। जिस जिसने हमारे खिलाफ टिप दी थी उन सबको एक एक करके टपकाने का है। सबसे पहले वाले का नाम है दुर्गा। दोस्ती के नाम पर कलंक, दूसरा इन्फॉर्मर पवन शेट्टी। और अपना तीसरा टारगेट है कॉपरेटर रंजन कुमार। अगर उसे खत्म कर दिया तो हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, उसे टपका डालते हैं। वहां देख, तेरा आशिक बैठा है। हाँ देखा मैं। रात से गया ही नहीं, तो उसे देख क्यों नहीं रही? हेमा, हेमा सुनो, हेमा। बाय हेमा। कल शाम मेरे घर के पास एनकाउंटर हुआ था, एक गोली मेरे एकदम पास से निकली, अपना तो पत्ता ही साफ हो जाता, पर किस्मत से बच गया। शर्म नहीं आती? किस लिए? मुझसे झूठ बोलते हुए। अरे यार अपने प्यार की कसम। मेरे बुलाने पर भी तो मेरे घर नहीं आए, और अब मुझे मनाने के लिए एक के बाद एक झूठी कहानियां बना रहे हो। सॉरी हेमा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम, अपनी बाइक के नए नंबर की कसम। जाना पहचाना लगा ना, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। बहुत अच्छी प्लानिंग की है, नंबर प्लेट से मुझे मनाना चाहते हो? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, आज ऑफिस से छुट्टी लिया तुम्हारे साथ घूमने के लिए, आइंदा मुझसे कोई भी गलती हुई तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोलता हूँ। अब आओ ना। ये मत समझना कि मैं मान गई, गर्ल्स हॉस्टल के सामने अक्सर आशिकों की पिटाई हो जाती है। अब चलो। रवि, ड्रग का बड़ा ऑर्डर मिला है, सत्या के छूटने तक बुलेट ने नया माल लाने से मना किया है, ऐसे में करोड़ों का नुकसान होगा। सेठ, माल अपुन लाएगा। सेठ, अपने भाई की तरह कर लोगे? उससे भी A1 काम, एक चांस तो देकर देखो, आप मेरा नाम जपते फिरोगे, बस बुलेट को ये बात मत बताना। ओके। अरे हेमा, हेमा। जितना बोला है उतना ही करने का, ठीक है भाई? कोई झोल झपाटा नहीं मिलता है, समझा? ठीक है। सॉरी हेमा, सुनो ना। हाँ बुलेट। उस कॉर्पोरेटर का क्या हुआ? आज रात को उसको खलास कर देगा। सॉरी। अरे सॉरी बोला ना। हेमा, बहुत अच्छा सूट है, तुम पे सूट करेगा। वो रानी कलर वाला दिखाना। हेमा, जरा उस ड्रेस को देखो ना, कितनी अच्छी ड्रेस है, फिटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके टेलर का नंबर जरूर लेना। अगर इतनी अच्छी लग रही है ना तो उसी से प्यार कर लो। हा?
अरे हेमा, मैं ड्रेस की तारीफ कर रहा था, उस लड़की की नहीं। लगता है झूठ बोलने की कसम खाई है। अरे मेरी माँ। अच्छा ठीक है, वही ड्रेस ले लो। किसी और की उतारी हुई ड्रेस भला मैं कैसे पहन सकती हूँ? मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम ही बताओ तुम्हारा गुस्सा कैसे ठंडा होगा। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। आपके पास एक और पीस है क्या? चूड़ीदार में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जी करता है तुम्हारी नजर उतार लूं। लाइट ऑफ करो, गेम बजाता है इसका। अरे रंजन भाई, एक काम था। भाई उस आदमी के जाने का वेट करते, चलो। भाई साहब, मेरी बाइक देखी क्या? कौन सी बाइक? लाल रंग की थी, यहीं पर खड़ी करके आगे गया था मैं। वहाँ जाना था फिर यहाँ क्यों खड़ा किया? अरे हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर का मर्डर हो गया और तुझे तेरी बाइक की पड़ी है, चल निकल यहाँ से। ए बेटा इधर आ, अपाचे थी? हाँ बिल्कुल नई बाइक थी। दो आदमी उस तरफ लेकर गए। जाकर कंप्लेन करेंगे। अभी नहीं, कुछ देर पहले यहाँ सत्या के आदमी आए थे, हमें बुलेट से बात करनी चाहिए।
जब तक मेरा फोन नहीं आया कुछ करना मत, समझ गए भाई? कल बाद में आ, मैं बिजी हूँ। एक अर्जेंट मैटर है भाई। थोड़ी देर पहले जो एसवी रोड पे मर्डर हुआ ना, तो वो टाइम पे मेरा दोस्त उधर ही था। नहीं भाई, इसने मर्डर होते नहीं देखा, वहाँ अपनी बाइक खड़ी करके एक दोस्त से मिलने चला गया, वापस लौटा तो बाइक नहीं थी। हम लोग सब अपनी अपनी बाइक पे गए थे। आप बोलो तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दूं क्या? लिखा दे। ठीक है भाई, चलता हूँ। क्या कहा, बाइक चोरी हो गई? साइन करो यहाँ। कितना देर कर दिया रे? सर मेरी बाइक। पनीर, मेथी पालक। एक बात बताओ, उस एरिया में कॉर्पोरेटर का जो मर्डर हुआ था, तूने उसे देखा था क्या? हेलो सर, हो जाएगा सर, मैं कांस्टेबल नहीं भेजूंगा, मैं पर्सनली खुद आऊंगा सर। ऑर्डर दीजिए सर, बोलिए। ये क्या? पनीर टिक्का, दम आलू, वेज कोरमा। सर दाल तड़का जरूर मंगवाइएगा, स्पेशल डिश है, पसंद आएगा, दो प्लेट भेजता हूँ। सर आधे घंटे में आ जाएगा। वेटर समझा। सर मेरी बाइक मुझे मिलेगी ना? कंप्लेन दे दिया ना, मिलेगी तो बताऊंगा, जाओ बे। थैंक यू सर, चल चल चल। मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं है कि पुलिस स्टेशन का वो वेटर मेरी बाइक ढूंढेगा। हमने बाइक ढूंढने के लिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, और वैसे भी तू बाइक चोरी होने का टेंशन क्यों ले रहा है? 3 महीने बाद इंश्योरेंस वाले नई बाइक देंगे। नहीं सतीश, मुझे नई बाइक नहीं चाहिए। इट्स माय लक, उसी बाइक की वजह से मुझे नौकरी मिली, और उसी की वजह से हेमा मेरी लाइफ में, यहाँ तक कि पापा ने भी नाराजगी छोड़ दी और अच्छे से बात करने लगे। सबसे बड़ी बात, उस बाइक ने मेरी जान भी बचाई। यू नॉट टेकिंग टेंशन यार, ओल्ड सिटी में सलीम नाम का आदमी रहता है, मैं उसे जानता हूँ, वो चोरी होने वाली हर बाइक के बारे में जानता है, जाके उससे मिलना चाहिए। अरे सतीश तू बार में बैठ के इंतजार कर, हम उससे मिल के आते हैं। ओके ना? ठीक है। सलीम भाई, मेरा दोस्त वरुण, इसकी बाइक चोरी हो गई, हम पुलिस के पास भी गए थे, कुछ नहीं हुआ, अगर आप मदद करो तो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के बाद इधर पर आ रहे हो अभी? ठीक है, उन्हीं के पास जाओ ना। सॉरी भाई, बहुत मुश्किल से बाइक खरीद पाया था, लेके 2 महीने भी नहीं हुए थे, अगर आपके पास हो तो ये पैसा देने को भी तैयार है। सुबेदार। हाँ भाई। अपने छोकरे लोग धंधे पर गए क्या? 3 बाइक लेके आए। मॉडल कौन सा है? टीवीएस अपाची। अच्छा है क्या? हाँ होना चाहिए। चल इसको दीदार करा दे। चल आ जा। एकदम डिट्टो बाइक दिला दूंगा, A1 कंडीशन। इतना सोचेगा तब तक उसका पुर्जा बिक जाएगा, सोच मत आधे भाव में आ जाएगी। नहीं मुझे वही बाइक चाहिए। इतना खास क्या था उसमें? उसमें मेरे पापा का प्यार है। ए, वो बाइक मिल तो जाएगी ना? नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, सलीम भाई है ना। और मेरे मुंह से बदबू आई? नहीं आई। लगता है मैं डुप्लीकेट माल पी रहा हूँ। छोटे लाल, ए अरे जल्दी मुंह मत लटका, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। अरे सुन, मेरे मुंह को भी जरा संभाल। अभी आ रही है कि नहीं? लिटिल लिटिल आ रही है। तू गलत समझा, पैक का साइज नहीं बदबू का पूछा, अभी आ रही है कि नहीं चेक करके बताना।
छी, दारू पी के मुँह से कमल के फूल की खुशबू थोड़ी ना आएगी। ऐसा लगता है गटर के बाजू में बैठा हूँ। मरवा दिया ना, बीवी सूंग के घर पे धो धो मारेगी। कुछ आइडिया बता ये बास को धोने का। क्यों? घर पहुँच के तेरी बीवी तेरे को लिप टू लिप किस करने वाली है क्या? जो सुहाग रात को नहीं किया वो आज रात करेगी। काश ऐसा हो जाए, कुछ बता ना कि ये सबका सच हो जाए। एक काम करो, फरमाओ। लास्ट पिक जब बनाओगे ना, हाँ हाँ, तो सोडे की जगह फिनाइल डाल दो, लोचाई खत्म हो जाएगा। तो भी पछाड़ आइडिया है। थैंक यू वेटर, फिनाइल एक लीटर। मन लगाकर पढ़। अरे आज बाइक की आवाज नहीं आई। बाइक सर्विसिंग के लिए दी। पिछले हफ्ते तो दी थी। वो ठीक से काम नहीं किया था ना, इसलिए दोबारा देनी पड़ी। उसने ठीक से सर्विस नहीं की या फिर तुम्हें ठीक से चलानी नहीं आती? चुप, अपना काम कर। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। खाली पेट ठीक से नींद नहीं आएगी बेटा, थोड़ा सा खा लो। चलो खा लूंगा तभी सो नहीं पाऊंगा। हाँ बोल। सलीम भाई ने हमें जामनी मोहल्ला बुलाया है, फटाफट आ जा। ठीक है आता हूँ। सर एक घंटे के लिए ब्रेक चाहिए था मुझे। एक घंटे से क्या होगा तुम्हारा, मैं तो कहता तुम दो चार दिन के लिए ब्रेक ले लो। जानते हो मैंने तुम्हें काम पर क्यों रखा था? क्योंकि तुम्हारे पास टू व्हीलर थी। अब तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो फिर जॉब कैसा? सॉरी। भाई नमस्ते। सलीम भाई ने भेजा ना तेरे को? हाँ भाई। 5 मिनट और लेट होता तो ट्रक निकल जाता, चला जा। जाके देख ले। अपन ये सब किसी को दिखाते नहीं है, सलीम भाई ने बोला इसलिए तेरे को दिखा रहे। लाओ हमारी गाड़ी चुरा के उल्टा हमको ही बेच रहा है। ए, ठीक से चेक कर। अरे कुमार मिल गई मेरी बाइक। क्या सच में? भाई उतारने के लिए हेल्प प्लीज। नहीं रे ये मेरी बाइक नहीं है। ठीक है चल नीचे उतर। ए फिर से चेक कर, क्या पता तेरी बाइक हो। अबे जिसकी बाइक है वो बोल रहा है कि उसकी बाइक नहीं है, तू क्यों बीच में उंगली कर रहा है? अरे बाइक हमारी चोरी हुई है तो ढूंढेंगे ही ना। अबे जबान संभाल के बात कर। नहीं करता क्या कर लेगा? ए! धक्का क्यों मार रहा है? समझा? मत लगा, समझा? रुक कुमार, सॉरी सॉरी भैया, क्या कर रहा? अच्छे से चेक किया ना? अच्छे से किया, बाइक पर स्क्रैच नहीं था, मतलब वो मेरी बाइक नहीं है। तो वो कोई आपस वाला नहीं लगता है? मतलब कोई डेंजरस गैंग का काम है ये, मतलब कोई ड्रग स्मगल करने वाले या फिर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले जो इन सब काम के लिए गाड़ी चुराते हैं। अगर गलती से कोई लफड़ा में पड़ गया ना तो वहीं गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं, और अगर गाड़ी मिल भी जाए तो साले वो नहीं मिलते। अभी आप ही कोई रास्ता बताइए ना। ठीक है भाई, कुछ पता चलेगा ना तो मोबाइल मारेगा। एक बात बोलूं, उस बाइक को दिल से निकाल दे। हेलो वरुण, एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? दरअसल डैडी को हमारे बारे में पता चल गया है। मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। बेटा इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं अंकल बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें यहां डांटने के लिए नहीं बुलाया है। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? 20,000। फ्यूचर में प्रमोशन का क्या स्कोप है? अब तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो फिर जॉब कैसे? 2 साल मेरी बेटी का पीछा करके अब उसके साथ लाइफ में सेटल होने की बात की है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मेरी तरफ से हाँ है। उस बाइक को दिल से निकाल दे। पर तुम्हारे घर वाले, उनका क्या कहना है? हेलो वरुण, सलीम का फोन आया था, बाइक चोर का पता चल गया है। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं? अब
बाइक बाइक के बारे में अपन नहीं जानता। ए, लेकिन हम तेरे बारे में सब जानते हैं। सलीम भाई ने तेरी पूरी जन्म कुंडली पढ़वा दी है। अगर नाटक करेगा तो फोड़ डालूंगा। तू अपन को धमकी देता है? तेरे दोस्त को समझा दे, वरना इधर ही गाड़ देगा शाने को। चल यार, ये कह रहा है इसने नहीं लिया तो नहीं ली होगी। पागल हो गया, कोई चोर मुंह से हाँ बोलता है? सलीम भाई ने इसी का नाम लिया है। अगर सच में इसने मेरी बाइक ली है ना, तो उसके बाप से भी सच उगलवा लूंगा। नहीं बोला तो क्या करेगा? मारेगा, मारेगा, मारना। अब याद आया, उस रात को तू ही वहां पर बैठा हुआ था। माना कि अपुन उधर था, तेरी बाइक को भी अपुन नहीं छुटा है। रात के अंधेरे में लड़की हो या बाइक कोई नहीं छोड़ता, और ऐसी चीज देखकर कोई भी फिसल जाएगा। अब गलती तेरी है या मेरी? सही बोला, गलती मेरी है जो इतनी देर से प्यार से बात कर रहा हूँ। चल बना बाइक का, मार इसको, मना तेरी का छोड़, मार बना बाइक का, लोग लाइक के लोग भाटा जाए बाइक का, ऐसा नहीं मारो, तुझे पुलिस से ले चल, चल चल चल, ए क्यों मार रहा है रे? सर किसी ने मेरी बाइक चुराई है। बस ये झूठ बोल रहा है, अपुन ने कुछ नहीं किया, फालतू में मार रहा है अपुन को। पुलिस का काम तू कर रहा है, चल पीछे हट ना। क्या रे, तूने इसकी बाइक चुराई है? नहीं। मैं हूँ ना इधर, जा मैं इधर को फोन करूंगा। बाइक चोरी कर, मेरी एरिया चोरी करता, मेरे एरिया में। हाँ बोलो हेमा। हेलो हेमा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नाटक मत करो, मुझे पता है तुम्हें सब सुनाई दे रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन तुम बिना जवाब दिए वहाँ से निकल गए। जानते हो तुम्हारे रवैये से वो कितने हर्ट हुए। तुम गलत समझ रही हो, एक जरूरी काम आ गया था। इसका मतलब मुझसे भी ज्यादा जरूरी कोई और है। काम का तो सिर्फ बहाना था, असल में तुम इस रिश्ते को अवॉइड कर रहे थे। सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तुम जानती नहीं हो क्या? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अरे उस दिन गली में किस किया था ना मैंने। एक किस को एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं मान सकते। मेरे लिए वही लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट प्यार के लिए था या शादी के लिए? हेमा इरिटेट मत करो, तुमसे कह चुका हूँ मैं प्यार करता हूँ। अपने प्यार का एफिडेविट बना के दूँ क्या, या अपने खून से तुम्हें लेटर लिख कर दूँ? क्या करूँ बताओ, कहो तो न्यूज में अनाउंस करवा दूँ, क्या चाहती क्या हो तुम? अरे तुमसे प्यार करता हूँ, बस बात खत्म। तुम सब कुछ कहोगे पर सॉरी नहीं कहोगे। आपके लिए चाय बना दूं? ये क्या, शर्ट पर दाग, क्या हुआ? मेरी बाइक चुराने वाले को पीट कर आ रहा हूँ, इस वक्त तो पुलिस के हिरासत में है। बाइक, तुम्हारी बाइक कब चोरी हुई? कल रात को माँ। 70,000 की बाइक चोरी हो गई और तुम हमें ये सब अब बता रहे हो? आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बेटा? तुमसे उम्मीद करना बेवकूफी है, इस जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी के खोने की वजह से वो दुखी है, और मत करो। चोर तो मिल ही गया है, गाड़ी भी मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो? इंश्योरेंस है गाड़ी का, नहीं ले आएंगे। पुलिस वालों ने क्या कहा बेटा? कल सुबह वापस बुलाया पापा। कभी सोचा नहीं था कि पापा मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। जिस दिन बाइक मिल जाएगी ना, तो उन्हें किसी बड़े से होटल में खाना खिलाऊंगा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। अभी तक यही हो, आज काम पे नहीं गए बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं अंकल, पहले पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस वाले पैसों के बिना कभी कोई काम नहीं करते। ये लो। ये सुन, इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं। हाँ, अभी करता हूँ। ओके सर। अरे वरुण, बादशाह के खिलाफ किसने केस किया? मैंने किया। केस वापस लेने का? हाँ, हाँ। तेरी तो सवाल करेगा। भाई, ये अपने इलाके का लड़का है, केस वापस ले लेगा ये। मैं केस वापस नहीं लूंगा। अपने इलाके का है इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। क्या हुआ भाई साहब, चोरी हुई है तो रिपोर्ट तो करनी होगी ना। ए बुड्ढे, अपन इससे बात कर रहे हैं तो टांग क्यों घुसेड़ रहा है? नहीं वरुण, वरुण छोड़ उसको, देखो सत्य का भाई है, क्या कर रहा है, लफड़ा बढ़ाएगा क्या, पागल हो गया तू, क्या कर रहा है तू? ए छोड़ दे, क्या
तो वही है। ये छोटा अरे वरुण पागल मत बन, वरुण मेरी बात मान, जाने दे वरुण, चल वरुण चल, चल देख वरुण, चलो स्टार्ट कर। रवि उसको टपका डालने क्या? अभी नहीं, बुलेट को मौका मिल जाएगा हीरो बनने का, भैया बाहर आएंगे फिर इलाज करेंगे उसका। ये सब उस सेठ की वजह से हुआ है, नए रूट पर ड्रग्स लेकर गए इसलिए बाइक चोरी करनी पड़ी और ये सब लफड़ा हुआ। मैंने तो पहले ही मना किया था भाई, अपन को पता था क्या बादशाह मुंह खोलेगा? अगर बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पुलिस मिल गई तो लोचा हो जाएगा। अरे नीट क्या पी रहा है, कुछ डाल के पीना यार, पागल हो गया, दिमाग खराब कर दिया इसने, कुछ सोचने के लिए किक चाहिए। अरे सतीश, मैंने इसको रवि से उलझने के लिए मना किया था लेकिन इसने उसी को धो डाला। अरे चाहे कोई भी हो मुझे क्या, मेरे पापा को हाथ लगाया तो उसके हाथ पैर काट के रख दूंगा। चल बस कर, सत्या को पता चला ना तो वो तुझे जिंदा गाड़ देगा। भाई एक्सक्यूज मी, क्या है यार, कितने पैक डाउन किए? मैंने। हाँ तुमने? कितने भी हो तुझे क्यों बताऊं? क्योंकि मैं आपके साथ साथ पी रहा हूं, गिनना भूल गया हूं। चार हो चुके हैं। ओके मतलब मैं 10 और मार सकता हूं। अरे समझ में नहीं आता, तेरी बहादुरी पर खुश हूं या सत्या जो तेरा हाल करने वाला है वो सोच के डरूं? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। सर अब क्या प्रॉब्लम है यार, आप ज्यादा स्लो पी रहे हैं। जैसा मन करेगा वैसा पीऊंगा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? जल्दी पीजिए ना, मुझे घर जाना है। रुक, अभी तुझे ऊपर ही पहुंचा दूंगा। रुक, रुक, अरे कब से दिमाग खाया जा रहा है? क्या सर? नमस्ते सर, ये लोन का अमाउंट, अपना अकाउंट क्लियर हो गया। तुम? मैं सर जिलानी, अब भागूंगा नहीं। अरे जिलानी तुम, गेटअप में तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मेरा ओरिजिनल गेटअप है सर, आज से सोच लिया, नो गेटअप नो सेटअप, ओनली हार्ड वर्क। पता नहीं उस मरियल रवि ने आपकी मार कैसे बर्दाश्त कर ली, अगर मैं होता उसकी जगह पर तो कब का ऊपर पहुंच गया होता। वेरी गुड सर, ये पैसे लेके जाओ और सीधा बैंक में जमा। ओके सर, हो जाएगा। ओ, मरे हुए को क्या मार रहे हो, जाओ। बैकग्राउंड सर, कितने पैक्स हो गए तुम्हारे या मेरे? मेरे और किसके, मैं कैसे बता सकता हूँ? मरिया गिनती भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? नो प्रॉब्लम सर, फिर से शुरू करो, मैं काउंटिंग करता हूँ ना। शुरू करो। मेरी बीवी ने मुझे 8 बजे बुलाया है। अच्छा, तुम्हारे 8 पैग होने तक 8 बज जाएंगे। 8 बज जाएंगे? हाँ बज जाएंगे। कंफर्म ना? एकदम कंफर्म। वेटर, वेटर, खिलानी साहब के अकाउंट में 8 पैग लेके आ। अरे नोट बदली में दारू बदली मत करो, बैठ जाओ। वो देख हेमा, कमाल है, कल तक तू उसके पीछे ऐसे पड़ा था जैसे तुझे लोन लेना हो और आज वो खुद चली आई। तुम यहाँ कोई काम था क्या? तुमसे मिलने आई हूँ। बोलो। तुम्हारी बाइक खो गई और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई, तुमने मेरे साथ ये सब शेयर क्यों नहीं किया? कोई गुड न्यूज थी जो तुम्हें पता था? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करने को तैयार हूँ और तुम अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं कर सकते? हाँ बाबा कर सकता हूँ, पर तुम बेकार परेशान हो जाती।
कॉर्पोरेटर को मारकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई। प्रॉब्लम क्यों? वो रूलिंग पार्टी में था ना। किसी भी पार्टी का हो, जो आप उनको प्रॉब्लम देगा उसे तो मरना ही पड़ेगा। वैसे वो विशाल नगर का क्या हुआ? मैं वहीं जा रहा था। ठीक है। सलाम भाई। सलाम भाई, नमस्ते भाई। पापा आ गए। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे मेरा बेटा, आ जा 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 जा, शाबाश। रवि कैसा है? देवदास की तरह क्यों बैठा है? किसी ने धोया है इसे। कौन है? किसने मारा? एक छोकरा है पास की बस्ती का, उसने इसकी कंप्लेंट की, इसने वापस लेने को कहा तो उसने मारा। अपने भाई पर हाथ उठाने वाले को ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग मुझे कायर समझेंगे। आपका हुक्म होता है तो अब तक टपका देता उसको। तो अब टपका दे। हम पर पुलिस की नजर है, तू मत मारना, अपने आदमियों को लेकर जा और टपका दे। भाई साइकिल पे वाटर का कैन लेके आ रहा है, गड़बड़ नहीं चाहिए। ठीक है भाई, उड़ा दो उसको। हो जाएगा। ए, सत्या जेल से बाहर आ गया है। मम्मी क्या है? मुझे जरूरी काम से जाना होगा, पापा को कहना कैन ले जाए। ठीक है? ठीक है बेटा। कहाँ जा रहे हो? हमें सत्या भाई से मिलना है। किसने भेजा है? बुलेट ने। पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया। भाई भाई नमस्ते भाई। हाँ, मेरा नाम वरुण है, रवि की धुलाई मैंने ही की थी। अंदर जाओ बेटा। रवि ने झगड़ा शुरू किया था, पहले उसने इसके पापा को मारा। मेरे भाई के खिलाफ तूने रिपोर्ट लिखवाई? मैंने सिर्फ बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखाई और चोर को पकड़ के खुद पुलिस के हवाले किया। इस सब में तुम्हारे भाई को क्यों मिर्ची लगी? जबान संभाल के बात कर। अपने भाई से पूछो कि उसका चोर से कोई वास्ता है या नहीं, अगर उसने ना कहा तो इसी वक्त मुझे मार देना। भाई वो सेठ ने ऑर्डर दिया ड्रग्स डिलीवर करने का काम था, पर मैंने उसे मना कर दिया तो उसने रवि के साथ डील की, रवि ने पाशा को बोल दिया और उसी दिन इसने कंप्लेंट की। तो पाशा लॉकअप में? हाँ। वो उसे निकालने के बजाय खोटे पंगे ले रहा है। इसकी बाइक मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इसे पैसे दे दो। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। उसने तुम्हारी बाइक चुराई और तुमने उसे मारा, दोनों ही गलत थे। आज के बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे, कोई लोचा वोचा नहीं। चलते हैं भाई। चल। देखा बुलेट, डेढ़ पसली का छोकरा है लेकिन डेयरिंग देखी उसकी। जिगरा है छोकरे में। रवि को बोल वापस लौटा है, मीटर को यहीं क्लोज करो। हाँ। बोल बुलेट। भाई ने वापस आने को बोला है, उस लड़के को कुछ नहीं करना है। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ भाई? वापस बुलाया, बिना उसे टपका है। उसका क्या जाता है, घर बैठ के ऑर्डर दे रहा है, उसने इज्जत मेरी उतारी थी ना, छोड़ूंगा नहीं। हेलो। हाँ बोलो भाई। ये ऑर्डर सत्य भाई का है। आ रहा है वो। बहरा है क्या तू? ये वो आदमी नहीं है, चलो।
नमस्ते भाई। कैसी तबीयत है? अभी तो वो खतरे से बाहर है, उनके पैर की नस कट गई है इसलिए कुछ दिनों तक चल नहीं पाएंगे। वरुण, सत्य आया है। जब उन लोगों ने मुझ पर हमला किया तो मैं ये सोचकर बहुत चिंतित हो गया कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया। अब तो तुम ही परिवार का ख्याल रख सकते हो। इस हादसे के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानता, तुम तो परिवार का सहारा हो। देख, उनसे शांति से ही बात करना। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने एक चोर को पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जिस आदमी ने मेरे बाप पे हाथ उठाया मैंने उसे मारा, यह गलती थी क्या? बोलो। सारी गलती इसकी थी, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया। अगर मेरे लिए इतनी नफरत थी तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? तुम तो इलाके के राजा हो ना, जो चाहे कर सकते हो। नहीं याद है, नुकसान ना पहुंचाने का वादा किया था, और नुकसान पहुंचाए भी तो किसे? मेरे बुजुर्ग लाचार पिता पर हमला किया। तुम तो नामर्द निकले। चुप हो जा, चुप। ले जाओ उसे, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। मांडवली करने के लिए बोला तो तूने झगड़े में माचिस लगा दी एक कान के नीचे। क्यों डांट रहे हो? अरे इस जाहिल की हरकतें ही ऐसी हैं। वार करने मना किया था पर उसके बाप पर वार कर दिया। अरे क्यों मार रहे हो इसे? सेठ बीच में मत बोलना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आगे से काम के लिए मुझे या बुलेट को बोलना, ये बात अपनी डायरी में लिख लो। आइंदा से इस गधे को काम मत देना। अरे छोटी सी बात पे इतना बवाल क्यों? सेठ तू आप उनके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए डबल क्रॉस मत करना। अब कोई लफड़ा किया ना तो जान से मार दूंगा। रवि अभी बच्चा है, इसे बीच में मत डालो। दुनिया को अपनी कमजोरी दिखाएगा तो दुनिया नोच डालेगी तुझे। ऐसा क्या किया आपने? मार खा के चुप नहीं बैठेगा? उसे भी अपने बाप का दर्द देख के तड़पने दो। तुम्हें दुखी नहीं देख सकती वरुण, इसलिए मैं दौड़ी चली आई। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारा दुख नहीं बल्कि तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारा प्यार बयान कर रहे हैं। वरुण, अपने पापा की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। आज तुम्हारे पापा को मारा है, कल तुम्हें भी मार सकते हैं। ऐसे में मेरी बेटी का क्या होगा? सत्या से दुश्मनी ली है तुमने, अब तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर सचमुच मेरी बेटी से प्यार करते हो तो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ इसे। चलो मेरे साथ चलो। वरुण कौन है? जो बात करनी है बाहर चल के करो। गुंडागर्दी की कोशिश मत करना, पुलिस बुलवा लूंगा। मैं पुलिस हूँ, नारकोटिक सेल। तुम्हारा बेटा ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। कोई गलत फहमी हुई है आपको, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए इस पर, ये बैंक में काम करता है। खुद को व्हाइट कॉलर दिखाने के लिए लोग साइड में कुछ न कुछ व्हाइट करते ही हैं। वैसे भी ड्रग्स की दुकान खोल के कोई मॉल में नहीं बैठता। चल चल, ड्रग्स की सप्लाई करता तू? सीधे सीधे बता दे, तेरे साथ इस धंधे में और कौन कौन है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। थर्ड डिग्री के बाद तेरे को सब कुछ याद आएगा। इस रैकेट में तेरे साथ और कौन कौन है सबका नाम बता मेरे को। सर मैं सच,
तेरे को क्या लगता है तू बाइक की टंकी में ड्रग्स डालकर सप्लाई करेगा और पुलिस से बच जाएगा? ये बताओ, पुलिस को तूने बेवकूफ समझा है जो तेरे झांसे में आएगी? सर, मेरी बाइक 10 दिन पहले चोरी हुई थी, मैंने उसकी कंप्लेंट भी लिखाई थी। यार कॉपी है क्या? है सर, है। आप इसे ले जा सकते हैं। और वो बाइक का क्या हुआ? बाइक को कोर्ट में जमा करवा दिया है, 2 दिन बाद आप ले सकते हैं। ईमानदारी की कमाई की थी वो बाइक, वो तो वापस आ ही जाएगी। मुझे अपने बेटे की चिंता है, उसका ख्याल रखना, उसे कहीं घुमाने ले जाओ ना। अरे अंकल रहने दो। रखो। ये पार्टी किस खुशी में रखी? कुमार की शादी फिक्स हो गई है। माय मैरिज, नोबडी टेलिंग मी हाउ। देखा, शादी के नाम पे कितना शर्मा रहा है। ये छुपा रहा था लेकिन मुझे पता चल ही गया। कांग्रेस यार। एक्सक्यूज मी, मेरे पास वाटर है, आपके पास क्वार्टर है, दोनों का अगर मिलन हो जाए तो पानी में आग लग जाए। सादा है या मिनरल? बस दूसरी धार का है बेटा। खाली टेबल पर खाली पीली पड़ा था, और जब भी मैं कोई खाली चीज देखता हूँ उसमें कुछ न कुछ भर देता हूँ। अगर मैंने पानी पिलाया तो पुण्य, और मुझे दारू नहीं पिलाया तो लगेगा पाप। पापी लोग ज्यादा जीते हैं, ये तो सुना ही होगा। बिल्कुल, हमें मरने की जल्दी नहीं है। हम पापी है, ये हमारा पाप है, हम खुश है। अगर ऐसा है तो तुम्हें तुम्हारी दारू मुबारक हो और मुझे मेरा पानी। चलता हूँ घूम घूम के झुम झुम के दारू दे। वापस सुनिए, आ रहा है दारू दे। इसको देखो, ये देवदास बन के बैठा हुआ है। ए वरुण, कहीं और चलते हैं। जानता हूं मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि तू सत्या का भाई है, लेकिन सोच, बार बार मुझसे मार खाएगा तो तेरी इज्जत कम नहीं होगी। गले पे स्क्रू ड्राइवर रख के मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की मार खा के भी मैंने तेरे भाई का नाम नहीं लिया। सत्या के खिलाफ बोलना मतलब अपनी मौत को दावत देना, और तू उसके खिलाफ गया है। तू भी उसके खिलाफ गया है, तुझे लगता है तू बचेगा? देख रवि, मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा पे वार करने के लिए दिल तो करता तेरी जान ले लूं, लेकिन क्या करूं, मैं हूं एक आम इंसान और तू एक गुंडा है। पहले ही बहुत कुछ गवा चुका हूं मैं, इसलिए मैं तो यहां से चुपचाप जा रहा हूं। तू भी निकल जा यहां से। ये सब करना जरूरी था क्या? तो क्या करूं, उससे डर डर के जीता रहूं क्या? तेरी फैमिली चलाने के लिए तेरा बाप है, 2 भाई भी हैं, लेकिन मुझे अपनी फैमिली का बोझ खुद उठाना है, इसलिए मुझे जिंदा रहना होगा। और मेरी सीधी बात तो वो समझेगा नहीं, इसलिए उसे उसी की भाषा में समझा। सिर्फ एक बाइक के लिए तूने इतना सब कुछ किया? बाइक के लिए मेरा जुनून एक पागलपन था यार, लेकिन अब ये लड़ाई उस बाइक के लिए नहीं हो रही है। अब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। हेलो। हेलो वरुण, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हमारी बाइक कोर्ट से रिलीज हो गई है, कल किसी भी समय पुलिस स्टेशन से आके ले जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। पागल कहीं का,
ये सब तेरे से नहीं हो पाएगा। ए, एक नंबर का गधा है ये, इसके ऑर्डर मानोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। वो छोकरा रवि का क्या बिगाड़ेगा? अभी कुछ नहीं, आगे खतरा है। मतलब जिसने इसे मारा उसे तुम कुछ नहीं करोगे? अरे इस डरपोक को वो लड़का नहीं मारेगा, लेकिन इसने कुछ किया तो इसे छोड़ेगा नहीं। अगर वो भी कायर होता तो मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने के बाद वो शहर छोड़ चुका होता, पर वो सीधा मेरे पास आया। डरा हुआ तो ये था, ये हर बार उस पर वार करता है लेकिन मुंह की खा के आता है। सुन बे, अगर तेरा डर लोगों के दिल से निकल गया तो तुझे कायर कहेंगे, बहादुर नहीं। अगर उसे जिंदा छोड़ा ना तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। हे, तू साइलेंस ही रहा कर, समझी ना? हमारे धंधे का उसूल है आम पब्लिक से दूरी रहना। पुलिस से मार खाने के बाद भी उसने हमारा नाम नहीं लिया, क्यों पब्लिक से पंगा लेता है तू? अगर पब्लिक अपने पे हाथ उठा दिए तो भी कुछ नहीं करने का। सच तो ये है कि पुलिस और पब्लिक से डर लगता है आपको, लेकिन अपने को डर नहीं लगता। आपके जैसा फट्टू नहीं है मैं। रवि, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। फैमिली मैटर में टांग मत अड़ा रहे, बड़े भाई से इज्जत से बात कर। अब उनके भाई के पीठ पीछे तू क्या करता है बताओ क्या? रवि, जान से मार दूंगा। जा। ए, उस लड़के को छोड़ और लाइफ में आगे बढ़ने की सोच। उसे मारने के बारे में सोचा तो इस धंधे को भूल जाना। पर्सनल मैटर और बिजनेस मैटर को मिक्स नहीं करते। धंधे में दिमाग को ठंडा रखने का, गरम नहीं। लोगों को बस डरा के रखना चाहिए, मारने का नहीं। उसी में धंधे की तरक्की है। इतनी छोटी सी बात नहीं समझता? अब बुलेट को देख कितना समझदार है। अपने धंधे में सावधानी हटी समझो दुर्घटना घटी। जितनी ईमानदारी अपने धंधे में है ना, और किसी धंधे में नहीं है। अरे क्या कर रहा है? पंचर हो गया। चल टायर चेंज कर। भाई ये देखो, गाड़ी में बैठ। अंदर बैठ। अंदर पैर।
भाग। वो वरुण गली का कुत्ता था, लेकिन अपने भाई की इज्जत से ज्यादा आपको उसकी फिक्र थी। सबके सामने जलील किया आप उनको, अपुन से ज्यादा वो बुलेट से प्यार है ना। खलास कर इसे। अब बता, गेम ठीक से बजाया ना? खत्म कर। रवि, मैं तेरे लिए ढाल था, पर ये बात तो समझ नहीं पाया। आज तुमने अपने भाई पर ही हमला किया। तेरे बाद अब उस वरुण को टपकाएगा, देखता हूं कौन रोकता है। कल सुबह तक ना ही वो वरुण जिंदा रहेगा, ना ही भाई का कोई दुश्मन, ये वादा है मेरा। बाइक मिलने पर मैं बहुत खुश था, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, लाइफ की एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन हकीकत में तबाही का मंजर तो अब शुरू होने ही वाला था। हेलो हेमा। लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपने पापा को नहीं मना पाई। खैर ये छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? आज मुझे मेरी बाइक वापस मिल गई, मतलब कल नौकरी भी मिल जाएगी, और घबराओ मत, तुम्हारे पापा को भी मना लूंगा। आज शाम को मिले क्या? क्यों, अभी मिलने में प्रॉब्लम है? आओ तुम्हें अपने घर वालों से मिलाता हूँ, चलो। इस हालत में पहले घर जाके ड्रेस चेंज करके आती हूँ। चलो ये भी ठीक है, ड्रेस चेंज कर लो। तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हाँ सतीश, बोल क्या हुआ? अच्छा वरुण, सत्या का किसी ने खून कर दिया, वो तुझे ढूंढने के लिए तेरे घर भी गए थे। मेरे घर वाले तो ठीक है ना? हाँ सभी ठीक है, क्योंकि वो कुमार के साथ मंदिर गए थे ना। हेलो, हाँ बोल। मम्मी डैडी कहाँ हैं? बाइक मिलने की खुशी में मंदिर आए हैं। एक काम कर, एमजी रोड पर मेरी आंटी रहती है, उन सबको वहीं पर ले जा। क्यों रे, कोई प्रॉब्लम है क्या? जितना बोला उतना करना। ठीक है ठीक है। हेलो, जल्दी बोलो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ एमजी रोड पर। हाँ वही रुको, एक छोटा सा काम निपटा कर आ रहा हूँ। ओके। हेलो रवि, वरुण की गर्लफ्रेंड एमजी रोड पे खड़ी है। ठीक है, चल चल जल्दी बैठो जल्दी। हेमा ठीक तो हो ना? चलो चलो भागो। हेलो वरुण, गुंडे हमारे पीछे हैं और रिक्शा का पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम लोग हो कहाँ पे? हेलो कुमार, हेलो कुमार, अच्छा बैठो अंदर, संभल के जाना। जेबी लार ले। Thank you.
बता रवि कहाँ पर है? बोल। कोल्ड स्टोरेज में छुप के बैठा। आज मेरे लिए मुझसे ज्यादा, मेरी बाइक से भी ज्यादा मेरा परिवार अहमियत रखता है, और उन्हें बचाने के लिए मुझे रवि को रोकना ही होगा। तुम लोग हो कहाँ पे? हेलो कुमार, हेलो कुमार, आ जाओ बैठो अंदर, संभल के जाना। ये भी ला ले। रवि कहां पर है? बोल। कोल्ड स्टोरेज में छुप के बैठा। आज मेरे लिए मुझसे ज्यादा, मेरी बाइक से भी ज्यादा मेरा परिवार अहमियत रखता है, और उन्हें बचाने के लिए मुझे रवि को रोकना ही होगा। रवि, वरुण की फैमिली को छोड़ दो, अपन को सिर्फ वरुण चाहिए। ए, उसकी फैमिली को कुछ मत कर। ए, अब भी वक्त है, समझ जा।
इस लड़ाई का कोई अंत नहीं होने वाला है। क्या मैंने तुझे माफ किया? तेरे लिए मैंने अपने भाई को मारा है तो तुझे कैसे छोड़ दूँ?